नमस्ते, सलाम अलैकुम सभी को। सारे मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों को आज इस शुभ अवसर पर बकरीद के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। और ये जो एक बकरीद का एक शुभ अवसर है, इस अवसर पर आज मैंने भी दो बकरे कुर्बानी दिया है। तो ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर का एक रूप है, लेकिन इसके जरिए हम लोग हमारा अहंकार, हमारे जो बुरे चीज है, बुरे आदतें हैं, ये सब कुर्बान देने का वक्त है। तो इसी वजह से ये जो प्रैक्टिस है मैं भी मानती हूँ। तो इस वजह से दो बकरे मैंने भी कुर्बान किया और सारे गरीबों में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदार, जो मेरे सारे एनआर के क्षेत्र के लोग हैं, यही मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं आज, तो इनमें बांट कर मैंने खुशी जाया किया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के तरीके से करते हैं जो कुर्बानी, उसी तरीके से आपने किया? जी, मेरे दोस्त हैं इधर उदयगिरी में, तो उनके घर में दो बकरे हम लोग ला कर रखे थे। तो सुबह सुबह उन्होंने जुबा किया और जो भी मंत्र वगैरह पढ़ना है सब पढ़कर जुबा कर उसको तीन हिस्से में हम लोगों ने बांटा। तो वो सारे दो लोगों में हम लोग बांटे आज। तो आपके फ्रेंड सर्कल मैसूर में जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें आपने? जी, ये जो एनआर की आवाम है, यहाँ के लोग हैं, यही आप मेरे दोस्त और मेरे भाई बंद है, तो इनमें ही मैंने जो भी था मैंने बांटा। जी, क्योंकि सिर्फ दो बकरा है, ज्यादा गोश्त भी नहीं आता, जितना था जितना मेरे हाथ से हो सका मैंने सबने बांटा है। और इंशाल्लाह अगर आगे वक्त जाते हुए अगर अल्लाह ने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं और ज्यादा जरूरतमंदों का इन्हों मदद कर सकूं, तो और मैं ज्यादा अगले साल करना चाहूंगी। तो ये दो कुर्बानी आपने दी है, किसके नाम से? जी, दो कुर्बानी मैंने एक मेरे पिताजी के नाम से दिया है और मेरे नाम से एक मेरे सारे दोस्त लोगों ने मिलकर एक कुर्बानी दिया है। तो और सबसे ऊपर ये हम लोग हमारे फैमिली बोलते हैं, लेकिन ये इंसानियत के नाम पर है। क्योंकि आज जो भी तकलीफें हैं, दर्द है, हर एक आदमी में जो जितना तकलीफ हम लोग देख सकते हैं वो तकलीफ दूर करें थे अल्लाह बोलकर हम लोग उस नाम पर कुर्बानी नहीं ली थी। रमजान में भी हमने देखा कि आपने बहुत सारे रोजे रखे, इसी तरह आपने बकरीद में भी ये किया है, तो ये क्या नाम आपका क्या ये है? जी देखिए, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जो है हम लोग उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दो हम लोग हिंदू है या मुसलमान है, जो भी है, सबसे ऊपर एक सुपर पावर बैठा है, वो पता नहीं किसी ने नहीं देखा। कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई जीसस, कोई सिख बोलता है, यू नो, गुरुद्वारा जाता है, लेकिन वो एक सुपर पावर को मानना आज बहुत जरूरी है। तो इस वजह से, और क्योंकि मैं गुलबर्गा से बिलोंग करती हूँ, बंदे नवाज और रुकुम तोला को बहुत हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग गुरुवार चलते जाते थे हमारे नानी के एक टाइम पर, और खिचड़ी मलिदा वगैरह उधर चढ़ाते थे। तो ऐसा हम लोग उधर के फॉलोअर्स रहने के वजह से सारे जो भी मुस्लिम रिचुअल है वो भी फॉलो करते हैं। और हमारे बात में भी आप देख सकते हैं कि उर्दू भी बहुत सारा फ्लुएंसी है हमारे भाषा में। तो इस वजह से हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, रमजान में मैंने रोजा रखा, सुबह 4 बजे उठकर मैंने सहरी किया और शाम में इफ्तार भी किया। जो 26वां रोजा था और पहला रोजा, दोनों मैंने रखा। तो ऐसे हर एक फेस्टिवल, और क्रिसमस में आपने देखा कि मैंने चर्च गए और यू नो 1000 कैंडल बांटे हम लोग। तो हर एक मजहब को मानना है, और इंसानियत सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। तो इस वजह से सारे यू नो रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं। जी, वही मैसेज एक है कि हम सब एक है, खून एक है, लोग एक है। सिर्फ ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लोग इसमें बंटवारा कर चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक पावर है ऊपर जो चला रहा है दुनिया, वो पता नहीं कौन है, किस रूप में है। हम लोग अलग अलग मान्यता मान रहे हैं, तो हर एक रूप में हम लोग मानने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम लोग अल्लाह बोलते हैं तो उनको भी मानना है, अगर हम ईश्वर बोलते हैं तो मानना है, जीसस को भी मानना है, तो सबको मानने से वो एक पावर पर हम लोग मान रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम है कि आप जो बिना लोगों तक दिखाए आप करें हैं, तो उसके बारे में? हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम लोग आज कुर्बानी देते हैं, मैंने सुना है कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े यू नो 5 लाख 10 लाख के बकरे लाकर शो ऑफ कर काटते हैं, और कोई लोग इतना लाकर भी अपने घर में छुपा कर करते हैं। तो यही एक मान्यता मेरे में भी है, जो एक हाथ से देते हैं और एक हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, तो इसी में इंसानियत होता है। तो मैं ऐसा बहुत सारा करते रहती हूँ। परसों मैंने एक बच्चे को मैंने एक स्कूल एजुकेशन के लिए कहीं एक उसका 1 साल का फीस भरा,
ऐसे बहुत सारी चीजें यू नो आई मैं करती हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं एक यू नो पॉजिटिव रिजल्ट, लोगों की खुशी होती है, तो उसके वजह से मैं बहुत सारा ऐसा करती रहती हूँ। जी फिर एक बार मैं सबको आपको यू नो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि ये बकरी बहुत पीसफुल गया, तो हम लोग सारे एक हैं, चाहे एनआर के वासी हो या दुनिया के हिंदू मुसलमान भाई सब एक हैं। तो आप सबको फिर एक बार बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, और अल्लाह आप सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप सबके काम में बरकत दे, और हम सबको जो भी हमारे ख्वाहिशें पूरी करे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया।